बजरंगनगर के अमर्त्य संकल्प को मिली नीट 2023 में सफलता। छपरा बजरंगनगर काशी बाजार स्थित मास साइंस इंस्टीट्यूट के संरक्षक डॉक्टर मनोज कुमार वर्मा संकल्प एवं शिक्षिका सीमा संकल्प के सुपुत्र अमर्त्य संकल्प ने नीट 2023 में 99% के साथ 620 अंक लाकर सारण जिले का नाम रोशन किया है। उन्हें जीव विज्ञान में 330, भौतिकी में 150 एवं रसायन शास्त्र में 140 अंक मिले हैं। अमर्त्य संकल्प बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल रहे हैं और अपने वर्ग में हमेशा बेहतर करते रहे हैं। पिता डॉक्टर मनोज कुमार वर्मा संकल्प गणित के शिक्षक हैं, फिर भी इससे इतर जीव विज्ञान में बेहतर करते हुए अमर्त्य संकल्प ने नीट की राह आसान की। अमर्त्य ने बताया कि उन्हें भौतिकी एवं रसायन शास्त्र में भी काफी दिलचस्पी है। अमर्त्य ने इस उपलब्धि का श्रेय अपने माँ सीमा संकल्प एवं दीदी श्रेया संकल्प के साथ साथ अपने शिक्षकों को दिया। उन्होंने कहा कि उनके पिता मनोज संकल्प प्रत्येक परिस्थितियों में सदैव उनके साथ खड़े रहे हैं और यह सफलता उनके इस विश्वास का ही प्रतिफल है। अमर्त्य ने बताया कि आज भी चिकित्सकों की काफी कमी है और शायद यही कारण है कि इलाज महंगा है। उन्होंने बताया कि वे एक अच्छे चिकित्सक बनकर गरीब एवं असहाय मरीजों की बेहतर सेवा करना चाहेंगे। इस उपलब्धि पर लायंस क्लब एवं छपरा जिला शतरंज संघ के तमाम सदस्यों ने अमर्त्य संकल्प को बधाई दी है। चाहोगे इसके लिए को और फिर मेरी बहन है उसका बहुत सपोर्ट रहा और साथ में मेरी साथ मम्मी मेरे लास्ट ईयर साथ में कोटा भी पहुंची थी और हर टाइम मतलब सपोर्ट की मम्मी भी और फिर पापा मतलब हर टाइम मतलब कॉल पे भी बोलेंगे कि मतलब सबको मेरे साथ सपोर्ट करेंगे मतलब मेंटली फिजिकल हर तरीके से मतलब। और कैसी तैयारी किस तरह की करनी पड़ती है, किस तरह की तैयारी तुमने की थी? तैयारी मतलब ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है मतलब, लेकिन हाँ आराम से हर दिन पढ़ा जाए तो हर चीज़ हो सकता है आराम मतलब कि बहुत आसानी से चाहे तो 10-12 घंटे पढ़ने मतलब मेरे ख्याल से। क्या स्ट्रेस के साथ पढ़ना पड़ता है या? हाँ उतना स्ट्रेस नहीं होता नीट में तो खासकर आराम से मतलब बच्चे पढ़ सकते हैं चाहे तो आराम से हर दिन सुबह उठ के योगा करेंगे 1 घंटे आराम आधे घंटे जो भी हर दिन मतलब 24 घंटे में कितने जी? कितने देर पढ़ना होता है नीट के एग्जाम मतलब, मेरे ख्याल से तो मतलब कम से कम 8-10 घंटे पढ़े हर दिन तो काफ़ी है कोई बच्चा। और भी छात्रों को क्या मैसेज देना चाहोगे? वही कि सबकी अपने ज़िंदगी में अच्छा करे और सबकी आगे बढ़े और जो मान लो बड़ा सारण जो जगह जिला है हमारा वो भी मतलब काफ़ी ज़्यादा डेवलप करे सबको आगे निकले और सबको चाहे कि मतलब। ये डॉक्टर बनने का सपना बचपन से ही था तुम्हारा? मतलब ऐसा भी नहीं था मतलब, लेकिन जब क्लास 9-10 में जब आए तो मुझे लगा कि मतलब जरूरत है यहाँ पे काफ़ी मतलब डॉक्टर्स कम है, फिर लगा कि यहाँ पर बनना चाहिए और गरीबों का भी हेल्प करूँ मतलब क्योंकि ताकि जो बिल्कुल बहुत नीडी होते हैं उनको भी। जैसे कि तुम्हारे पापा एक शिक्षक भी हैं और एक बहुत बड़े समाज सेवी भी हैं जी, तो उनसे क्या शिक्षा मिलती है? उनसे लगता है कि मतलब उनको देख के लगता है कि मतलब उनसे उनके मतलब उनको मतलब एक तरह से मैं आइडियल मानता हूँ एक तरह से कि वो सबका मतलब मदद करते हैं हर जगह मतलब सोशल लाइफ उनका बहुत अच्छा है उससे मतलब बहुत कुछ देख के सीखा मतलब मैंने अपनी लाइफ में और फिर कहीं ना कहीं उनका मतलब बहुत। तो डॉक्टर बनकर भी समाज सेवा किया जा सकता है? जी मैं तो करूँगा ही। क्या नाम है तुम? मेरा नाम अमर्त्य संकल्प। के बारे में मैं सोची थी कि ये निकाल लेंगे पढ़ के, इनके पास इतना जज्बा है कि ये निकाल लेंगे कर लेंगे और इन्होंने किया, बहुत मेहनत किया इन्होंने और करके दिखाया। क्या कहेंगे अमर्त्य के बारे में कि किस तरह की पढ़ाई थी, किस तरह की आपकी तैयारी थी? मेरी तैयारी वहाँ कभी कभी मेरा था काम की गए बेसिक अगर पढ़ाई तक पढ़ा सेवेंथ के बाद फिर अपने से कोटा पढ़ी कोटा में भेज दिया तो काफी ना जाना आना जब रहने की जरूरत पड़ी मेरी तब गए हम वहाँ साथ में रह के पढ़ाती थी वहाँ साथ में कभी लगातार नहीं कभी कभी वहाँ जाके रह लेती थी साथ में। क्या नाम है आपका? सीमा संकल्प। लगता है कि जिस तरह से अमर्त ने मेहनत जारी रखा था, जिस हिसाब से पढ़ रहे थे और जितनी तन्मयता से पढ़ रहे थे, इन्हें सफल होना निश्चित ही था और हम सब ने पेशेंस रखा था और इन्होंने भी पेशेंस अपना दिखाया और यही कारण है कि आज ये सफल हैं और कहीं ना कहीं इनकी सफलता से हम सभी आह्लादित हैं, पूरा सारण आह्लादित है। सपना साकार हुआ है निश्चित तौर से और मुझे लगता है कि समाज में सबसे ज़्यादा अभी चिकित्सकों की ही जरूरत है, डॉक्टर्स की जरूरत है क्योंकि डॉक्टर्स की संख्या बहुत ही कम है और खुशी की बात यह है कि इन्होंने खुद इस करियर को चुना और खुद ये चाहते थे कि हम एक अच्छा चिकित्सक बने और चिकित्सक बन के हम समाज की सेवा करें और खुद उन्होंने इस लाइन को चुनकर उस दिशा में बढ़ने की कोशिश की।